अच्छा पता नहीं तुम्हें इतनी अपनी शादी की टेंशन क्यों है, कि क्या लगता है कि बड़े होकर रिश्ते नहीं मिलेंगे, तुम हर वक्त शादी की बात करते रहते हो। 600-500 लोगों ने तो ले लिया है, इतना वायरल कर दिया आपने, हर कोई चैनल वाला कह रहा है प्लीज इंटरव्यू। क्या हमने आपको वक्त दिया, क्या हमें आपने इंतजार किया, क्या आपने हमें इतना मशहूर कर दिया। दिल तो आपने तोड़ा ही तोड़ा, साथ मुंह भी तोड़ दिया। हैप्पी पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सज्जल मलिक, और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े की चटपटी सी गुफ्तगू सुने, और ख़ुद का भी मूड अच्छा करें, बाकियों को भी रेफ़र करें हमारे चैनल पे, और क्योंकि हमारा मकसद ही यही है खुद हंसना और लोगों को हंसाना। सो वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। फाइनली आज का हमारा फाइनल इंटरव्यू, और जो कि किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है, इतना मशहूर हो चुका है ये बच्चा यार, सब जानते होंगे SAFDAR सफदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, क्या कर रहे हो? मैं इधर, पहले तुम हमें गर्मियों में मिले थे, अब तुम हमें सर्दियों में मिल गए हो। वो ठंड लग रही है, मुनासियात पाई जाती है कहीं ना कहीं। हाँ मुनासियात पाई जाती है हर कहीं, देखी थी। अच्छा इसका मैंने इंटरव्यू किया और वे हमें मतलब बल्कि आइडिया ही नहीं था यार कि मतलब इतना वायरल चला जाएगा, और बहुत वायरल गया। देखा तुमने इन वीडियो? जी जी, लड़कियों का बिजनेस, वो मुंह से ऐसे स्लिप हो गया था, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, घर से बड़ी कूट पड़ी थी। सीरियसली घर वालों ने देखा तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा तेरी माँ बहन नहीं है, चपेड़ मारी। वो मुंह से ना ऐसे, वो जैसे वो स्लाइड नहीं लेते ऐसे स्लिप हो गया था। तुमने हमें भी गुस्सा में बोला होगा बुरा भला? नहीं नहीं, कि ना ये इंटरव्यू करते ना मुझे आज मार पड़ रही होती। नहीं नहीं, इसे आपको क्या बोलना है, इसे बात कर रहे थे घर वाले, बस मैंने कहा अच्छा हो गया इंटरव्यू हो गया, हर गली का वाला कह रहा है यार वाह स्टार आ रहा है, स्टार आ रहा है, स्टार स्टार को गली में घर में कुट पड़ रही थी। ये नहीं पता कि स्टार को कुट पड़ रही है घर पे, ऐसे ही है। जी जी, वैसे तुमने क्या सोच के कहा था लड़कियों का बिजनेस? वो मैं बस ये कहना चाहता मेकअप का, उसे मुंह में से ना ऐसे पाउडर का। हाँ जी, हम समझ सकते हैं, बाकी कोई ना समझे, हम तो समझ सकते हैं सफदर ने क्या करना था। बाकी ये है कि देखिए हम लिबर्टी गए, ये हमें वहाँ पे मिल गया, आज हम रेस कोर्स आए हैं और ये हमें यहाँ पे मिल गया। तुम क्या हमारा पीछा कर रहे हो, या समझ रहे हो हम आपका पीछा कर रहे हो? बस ये आप हमारा पीछा कर रहे हैं, क्यों वायरल स्टार हूँ मैं एक। हम इंटरव्यू कर रहे थे और मैं, वो कैमरामैन कहता है कि ये तो वही बच्चा, ये तो वही बच्चा, और आगे खड़ा होकर हंसता जाए। मैंने कहा इधर आओ जरा, तुम्हारा इंटरव्यू तो करें। सफदर और कुछ कहना चाहो? मैंने सॉरी कहना था आपको, इतना बड़ा आपने मुझे स्टार बना दिया। सॉरी क्यों? घर से कूटनी पड़ी। वो तो हमें सॉरी करना चाहिए कि हम ना ऐसा सवाल करते जिसके जवाब में आप इतना बुरा आंसर देते। बुरा आंसर ऐसे, मैं तब चौकस था ना, ऐसे चौकस थे, और अंदर आपने शायरों वाली बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो तो नहीं मान रही आप शादी कर लें, ये वो मैं भूल गया हूँ। मैं उस पर नहीं रिएक्शन मिला कोई घर वालों का? नहीं, वो तो रिएक्शन अच्छा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया है, कि मतलब लड़की यही चाहिए मेरी तरफ से, आपसी तरह से ना। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा हिडन टैलेंट क्या है सफदर तुम्हारा, जो अभी तक हमें नहीं पता चला या दुनिया को अभी तक वो नहीं पता चला सफदर ये भी कर सकता है? मैं फनी सा आपको हंसा सकता हूँ। चलो हंसाओ मुझे। अच्छा मैं वैसे भी हंसती रहती, चलो मैं सीरियस हो जाऊँ जरा। आप बहुत प्यारी हो, मेकअप लगा के आई हो, पता लग गया है, छोड़ दो, सुर्खी भी लगाई है, दांत भी साफ करी है, और आपने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की है, छोड़ दे, मजाक कर रहा था। अच्छा हंसी नहीं आई वैसे मुझे। मैंने आपसे शादी करनी है। इस बात में मुझे हंसी आ गई। अच्छा पता नहीं तुम्हें इतनी अपनी शादी की टेंशन क्यों है, कि क्या लगता है कि बड़े होकर रिश्ते नहीं मिलेंगे, तुम हर वक्त शादी की बात करते रहते हो। बहरहाल मैंने आपको हंसाने के लिए कहा था, ये मैंने हंसाने के लिए कहा था, ये रियल नहीं है। ये अपने घर वालों को क्लियर करे, दुनिया किसको परवाह नहीं, ये फिर से कूटना पड़े, ऐसे ही है। सही बात। उसके बाद कितने लोगों ने इंटरव्यू लिए? 600-500 लोगों ने तो ले लिया है, इतना वायरल कर दिया आपने, हर कोई चैनल वाला कह रहा है प्लीज इंटरव्यू 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 कर। सबसे पहले आप कहते हैं कि कौन से बच्चे आप? नहीं नहीं, पहले आगे कहेगा लड़कियों का कारोबार करना है, जी जी इसका इंटरव्यू करो, घर में दूसरी बार इशारा ना मिलता हो उसका इंटरव्यू करो, इंटरव्यू करा लो और चला लो। सालन कैसे मिलता है घर पे?
हाँ एक दफा ही मिलता है। चलो जी जबरदस्त हो गया, और कुछ कहना चाहो? ठंड लग रही है, अंडे बेचने तो नहीं आए हुए? नहीं नहीं, क्या कहना चाहो? सॉरी सॉरी, क्या कहना चाहोगे? मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ और वाम को कहना चाहता हूँ, इतना मशहूर ना करें कि उड़ते ही जाओ हवा में, कोई ऐसे तीर मार दे। हाथ थोला रखो यानी। हाँ जी यार। चलो जी बहुत शुक्रिया सफदर आपके वक्त का। क्या आपने हमें वक्त दिया, क्या हमने आपको वक्त दिया, क्या हमें आपने इंतजार किया, क्या आपने हमें इतना मशहूर कर दिया। दिल तो आपने तोड़ा ही तोड़ा, साथ मुंह भी तोड़ दिया। इसे मार खानी है मेरे से, और कोई बाजी तंग करने आ जाता है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा था, आपने घर से कुटवाई है ना इसे। यार मेरी वजह से आप, आंटी आंटी ने मारा है कि अंकल ने? मेरी मामा ने मारा है। आंटी क्यों मारा है यार, इतना प्यारा सा बच्चा है और आपने हमारी इंटरव्यू पे करने पे इसको मारा है। ना मारे, उसका गलती से निकल गया था। फिर सही है, ये भी गलत हो जाना है। गलती से इसके मुंह से निकल गया था, स्लिप हो गया था। स्लिप हो गया था। चले यार बहुत शुक्रिया। ओके जी, चलो अब नहीं मारेंगे। ओके बाय।